সম্মত পদ্ধতিতে আপনার সন্তানের সার্বিক বুদ্ধাঙ্ক কয়েক কয়েকগুণ বাড়িয়ে নিতে আজই চলে আসুন এসেন্ট এভাকাসইন জিমে আমাদের কোর্স সমূহ প্রি এভাকাস অ্যাডভান্স এভাকাস হ্যান্ডরাইটিং ইম্প্রুভমেন্ট প্রোগ্রাম মেন্টাল অ্যাবিলিটি সেশন ব্যাডিক ম্যাথস ব্রেঞ্জিং জিম এক্সারসাইজ ইংলিশ এলোকুয়েন্স ইত্যাদি আমাদের ঠিকানা আখাউড়া রোড অপোজিট ফুড ট্রেনিং সেন্টার জয়নগর আগরতলা ফোন নাম্বার নমস্কার আপনারা দেখছেন হেডলাইন্স রিপোর্টার আপনাদের সঙ্গে রয়েছি আমি ভোপাল শুরু করছি সাফ কথা সাফ কথা অনুষ্ঠানে আজকে আমাদের সঙ্গে রয়েছেন বিজেপির কেন্দ্রীয় প্রভারী সুনীল দেওধর আর পরিচয়ের কোনো প্রয়োজন নেই সেজন্য সময় নষ্ট না করে আমরা আলোচনা শুরু করব। সুনীলজি স্বাগত নেই রূপমে নেই রূপমে কুচদের পেহলে আপকা যে প্রবো চল রা তা আমার এই স্টুডিও আপবি শায়দ দেখতে उसमें देखा था जैसे कि जैसे चलते चल लग रहा था कि वो आपके बड़े भाई है पहले आपकी इस मुद्दे पर आना चाहता हूं कि ऐसे कैसे हो गए देखिए मैं त्रिपुरा में जब प्रभारी बनकर आया बचपन से ही वैसे मैं ओवरवेट वेट हूँ जन्म लिया वही बहुत अच्छे खासे वेट में अच्छा और मां भी ठीक ठाक थी और मैं भी अच्छी तरह से ही जन्म लिया लेकिन जैसे वाराणसी का काम प्रधानमंत्री जी का किया बाद में त्रिपुरा में प्रवास किया अब जानते हैं मैं बंगाली फूड का शौकीन हूं और बंगाली फूड ये बहुत आ, हाई कैलोरी फूड होता है रिच कैलोरी फूड होता है तो वजन बढ़ता गया मैंने उसकी परवाह नहीं की क्योंकि चलो पाल्टे करना था और बहुत प्रवास करना था किसी का दिल नहीं तोड़ना था तो बीमारियां बहुत बढ़ती गई लेकिन जब एक बार विजय हो गई विप्लवदा मुख्यमंत्री बन गए सरकार अच्छी चलने लगी तो थोड़ा दिमाग को सोचने का टाइम मिला तो सोचा इतनी सारी गोलियां डायबिटीज डायबिटी, डायबिटी, ब्लड प्रेशर यूरिक एसिड कोलेस्ट्रॉल इतनी गोलियां लेता हूं तो एक सर्जरी होती है एक बैरिएट्रिक सर्जरी अच्छा। जिसमें आपके स्टमक को आ, स्टमक की एक थैली रहती है वो थैली भरने से पेट भरने की भावना आती है और थैली आधी रहने से पेट भरने की भावना नहीं आती है अच्छा। उस थैली को काटकर सत्तर प्रतिशत काटकर उसको एक ट्यूब जैसी छोटी बना देते हैं अच्छा और फिर आपको भूख जो है मतलब उसमें अन्न थोड़ा ही रहता है और तुरंत पेट भर जाता है अच्छा और फिर ऑटोमेटिकली पहले से जो ज्यादा खाना आपने खाया हुआ है और सारा चर्बी फैट्स वगैरह जो जमा है वो सब बहुत जल्दी जल्दी बर्न हो जाता अच्छा। है और उसके कारण जो ओबेसिटी के कारण जब आप में ब्लड प्रेशर आप में डायबिटीज क्योंकि हेरिडेटरी मेरे पास कुछ नहीं है ना मेरे माता पिता को डायबिटीज था ना मेरे दादा दादी को था तो ये आ, केवल मेरे ओबेसिटी के कारण आया हुआ डायबिटीज था तो ये सब निकल जाता है अच्छा तो 26 अक्टूबर को मैंने ये सर्जरी मुंबई में कराई पुणे की एक बेहतरीन डॉक्टर है डॉक्टर जयश्री तोड़कर उनसे मैंने इस सर्जरी को कराया बहुत सेफ सर्जरी है ये जैसे अपेंडिक्स की सर्जरी है एक छोटा सा हिस्सा काट कर डालते वैसे वो एक सर्जरी है अच्छा। लेकिन इसके बाद में प्रिकॉशंस बहुत लेने होते हैं और त्रिपुरा में ये सर्जरी करते नहीं है कोई शायद बाहर से कभी कोई डॉक्टर आकर करता है तो मुझे पता नहीं है लेकिन त्रिपुरा वासियों को जानकारी नहीं है इसकी तो ये सर्जरी मैंने की प्रिकॉशंस ले रहा हूं और लगभग सत्रह के वेट मैंने घटाया है गए तीन महीनों में तो उसके कारण वास्तविक में मैं अपने पूर्व रूप का छोटा भाई लगने लगा <laughs> और उम्र भी जो है कम लगने लगी उत्साह दुगना हो गया है एनर्जी बढ़ गई है और ज्यादा तेजी से काम करने की त्रिपुरावासियों के लिए उमंग बढ़ गई है अच्छा ही हुआ है क्या बात छोटे भाई के नाते आपको मतलब पहले वाले सुनील देवधर के छोटे भाई के नाते आपको बहुत अभिनंदन है धन्यवाद अभी अभी जो आपको सवाल है आज ही एक डिसीशन लिया है सेंट्रल गवर्नमेंट की कैबिनेट ने उसमें एडीसी को और भी ज्यादा शक्ति दिया गया है इसके बारे में कुछ जानना चाहता हूं हालांकि अभी तक एक साल नहीं हुआ है आपके गवर्नमेंट का त्रिपुरा में देखिए मैं जब इस राज्य में आया और जनजातियों की स्थिति को मैंने देखा तब ध्यान में आ गया कि कम्युनिस्ट पार्टी ने यहां के जनजातियों को मान लीजिए खत्म करने का बीड़ा उठाया था राज्य सरकार कभी जनजातियों को कभी बजट नहीं देती थी एडीसी को बजट नहीं देती थी इश्यू बेस देती थी सड़क बनाना है इतना ले लो फिर वो उतना ले लो में भी हमारा कॉन्ट्रैक्टर रहेगा ईटे कहां से खरीदना सीमेंट कहां से खरीदना लोहा कहां से खरीदना वो सब हमारे लोग रहेंगे जिसमें से कमीशन मिलेंगे तो कुल मिलाकर इतना भयंकर शोषण हो रहा था और कम्युनिस्ट पार्टी में जो ट्राइबल नेता थे वो ट्राइबल नेता ये कम्युनिस्ट पार्टी के जो माफिया थे इनके वजन के तले दबे हुए थे या तो करप्ट थे तो इसके कारण वो अपने ही समाज को कभी न्याय नहीं दिला सके और विकास की किरणें त्रिपुरा में जनजातियों तक नहीं पहुंची शिक्षा नहीं पहुंची स्वास्थ्य सेवा नहीं पहुंची गंडा में बरसात आती थी मलेरिया से सौ सौ बच्चे एक एक महीने में मरने की घटनाएं ये जब मुख्यमंत्री थे माणिक सरकार उनके जमाने में हुई है सारी दुनिया अब जानती है अब ऐसे परिस्थिति में जब हमने कैंपेनिंग छेड़ा था तब हमने कहा था एक तो इसको त्रिपुरा को डिस्ट्रिक्ट काउंसिल कहना गलत है क्योंकि एक डिस्ट्रिक्ट में एक जनजाति वाला जो बाकी मेघालय में जिस तरह से वैसा यहां पर नहीं है और यह सारी जनजातिया पूरे त्रिपुरा राज्य में है तो ऐसी स्थिति में इसको टेरिटोरियल काउंसिल बोलना चाहिए हमने इसको स्टेट काउंसिल का नाम देने का वादा किया था आज भी हमारा वादा हमारा हम कायम है लेकिन आज जो निर्णय हुआ है यह सबसे बड़ा विजय मेरी दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी का जनजातियों को किया हुआ जो वादा था वो वादा जो हमने चुनाव के दरमियान किया था नरेंद्र मोदी जी ने और विप्लव देव जी की सरकार ने त्रिपुरा में उस वादे को निभाया है और इसलिए मैं त्रिपुरा के जनजातियों को बधाई देता हूं उनका अभिनंदन करता हूं भारतीय जनता पार्टी पर जो आपने विश्वास दिखाया कमल का फूल जो आपने खिलाया उसका सबसे पहली भेंट आपको तभी मिली जब हमने इस राज्य को एक जनजातीय उप मुख्यमंत्री दिया साथ, साथ हमने दूसरी भेंट आपको तब दी जब पहली बार त्रिपुरा में पावरफुल मंत्रालय जो कम्युनिस्ट पार्टी ने कभी भी नहीं दिए जनजातियों को देखिए फाइनेंस मिनिस्टर जनजातीय है पावर मिनिस्टर जनजातीय है रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर जनजातीय है आप जनजातीय मंत्रालय जनजातियों के पास है रेवेन्यू मिनिस्टर जनजातीय है फॉरेस्ट मिनिस्टर जनजातीय है मतलब सब महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट्स आज आप अगर देखेंगे फिफ्टी परसेंट महत्वपूर्ण जनजातीय डिपार्टमेंट शायद जनजातियों के पास है ये दूसरी बात तीसरी बात महाराजा वीर विक्रम किशोरवाणिक के बहादुर देव देववर्मा जी का नाम एयरपोर्ट को देने के लिए इनके हाथ लड़खड़ाते थे, थे कम्युनिस्ट पार्टी के लेकिन हमने हर बूथ पर उनका जन्मदिन मनाने का काम करने से लेकर वादा किया कि महाराजा की प्रतिष्ठा को हम प्रतिष्ठापित करेंगे फिर एक बार प्रतिष्ठापित करेंगे और हमने वादा निभाया और उस दिशा में हमारे कदम आगे और भी बढ़ रहे आगे और भी बढ़ेंगे अब यह आज जो केंद्र सरकार की कैबिनेट ने फैसला लेकर इसको त्रिपुरा की डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को बदलकर टेरिटोरियल काउंसिल कर दिया है यह त्रिपुरा की जनजातियों की सबसे बड़ी विजय भारतीय जनता पार्टी के कारण हुई है केंद्र सरकार के कारण हुई है और यह हम बार बार जो मांग कर रहे थे उस मांग को पुष्टि देने वाला निर्णय हुआ है सबसे बड़ी बात हम बोलते थे कि डायरेक्ट फंडिंग की जरूरत है क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में कई बार जनजातिया छोटी संख्या में है और गैर जनजातिया राज्य सरकार में बड़ी संख्या में होते हैं और ऐसे समय में बड़ी संख्या में जो सरकार चलाते राज्य सरकार वो फंड जो है जनजातीय एडीसी को देने में आनाकानी करते हैं वो नहीं देते हैं कम देते हैं जो कि यहां पर कम्युनिस्ट सरकार कर रही थी लेकिन केंद्र सरकार के इस निर्णय ने डायरेक्ट फंडिंग इनडायरेक्टली डायरेक्ट फंडिंग कर दिया इसका मतलब अब केंद्र सरकार जो है ये निर्धारित करेगी कि राज्य ने एडीसी को कितना फंड देना है जो उनके लिए मेंडेटरी होगा अनिवार्य होगा मतलब हो गया ना डायरेक्ट फंडिंग इतना ही है कि केंद्र सरकार उठाकर उठाकर एडीसी को नहीं दे रही है टेरिटोरियल काउंसिल को नहीं दे रही है लेकिन केंद्र सरकार राज्य सरकार तो को दे रही है यह बताकर कि भैया ये जो है यह आपने डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को सॉरी टेरिटोरियल काउंसिल को देना है एलोकेशन मतलब, पहले, आ, पहले से हो जाएगा अलॉट पहले से हो जाएगा तो केंद्र सरकार के हाथ में रहेगा कि जनजातियों को कितना डेवलपमेंट के लिए पैसा देना है यह निर्णय अब राज्य सरकार का नहीं रहा यह केंद्र सरकार बताएगी मतलब डायरेक्ट फंडिंग हो गया बीजेपी ने वादा किया बीजेपी ने निभाया मेरी दृष्टि से आज इस राज्य के जनजातियों का बहुत बड़ा विजय का दिवस है यह दो निर्णय इसके अलावा इलेक्शन कमीशन उनके लिए गठन करने की बात बताई है तो पहले एडीसी के चुनाव में इलेक्शन कमीशन नहीं होता था तो राज्य के इलेक्शन कमीशन को एक रिजोल्यूशन करके इस एडीसी के लिए करना पड़ता था वो नहीं करना पड़ेगा हो सकता है इसी इलेक्शन कमीशन को उसको परमानेंटली लागू हाँ। किया जाए तो कुल मिलाकर के केंद्र सरकार जनजातियों के विकास के प्रति कैसे कमिटेड है ये दिखाने का काम और खास करके पूर्वोत्तर के प्रति नरेंद्र मोदी जी कितने कमिटेड है यह दिखाने का काम आज के कैबिनेट के निर्णय से हुआ है मैं फिर एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को त्रिपुरा के जनजातियों को सबसे बड़ा उपहार देने के लिए मैं धन्यवाद देता हूं एक तो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल नाम हटाकर उन्होंने टेरिटोरियल काउंसिल किया है और दूसरा डायरेक्ट फंडिंग उन्होंने कर दिया है राज्य सरकार को यह बताकर कि हर बार बजट में कितना डिस्ट्री टेरिटोरियल काउंसिल को पैसा देना ये केंद्र सरकार निर्धारित करके बताएगी वो जो राज्य सरकार को देना लेकिन जनजाति क्षेत्रों में ऐसा देखा गया है कुछ दिन से मतलब जब से आप लोग सत्ता में सत्ता में हैं आपके जो अलायंस पार्टनर है उनके जो सपोर्टर वगैरह है पहले ही मतलब वो बीएसी को लेकर मुठभेड़ हो रहा था हाल ही में सिटीजनशिप अमेंडमेंट को लेकर जो एक बंद का ऐलान किया था नेसो ने सोने। उसको लेकर माधवबारी में आपको पता है शायद उसमें भी कुछ ऐसा गोलीबारी भी हुआ है और उसके बाद जो देखा गया है महाराज के साथ जो कांग्रेस के लोग हैं उसके साथ आईपीएफटी के यूथ जो ब्रिगेड है वो चल रहा है मतलब आपकी अलायंस के मतलब तो, तो आ, कोई आ गया है क्या बीजेपी और आईपीएफटी के बीच में देखिए कोई खटास नहीं आई पहली बात सभी ने समझनी चाहिए कि ये एक दो अलग अलग दल है दो अलग अलग दल है दोनों पार्टियों के अलग अलग संस्कार है अलग अलग रीति नीति पद्धति है उनका संविधान अलग है काम करने का तौर तरीका अलग है उनके कार्यकर्ता अलग है उनका संगठन अलग है और सभी विधानसभाओं में सभी गांवों में जहां जनजातीय है वहां बीजेपी भी है और आईपीएफटी भी है अगर ये सब एक होता तो दो पार्टियां नहीं रहती ना जब घर में दो भाई रहते हैं लेकिन उनके अंदर मतभेद रहते हैं ना सगे भाई रहते हैं लेकिन मतभेद रहते हैं। ये तो दो पार्टियां हैं जो एक एजेंडे पर एकत्रित आई है कि हमें त्रिपुरा का विकास करना है और खास करके जनजातियों के ऊपर फोकस रखकर उनका विकास करना है जो आईपीएफटी भी चाहती है जनजातियों को न्याय दिलाना उनकी भाषा को प्रतिष्ठा दिलाना उनकी जमीन जो है उनके नाम जमीन का पट्टा उनके नाम पर है हमारा कमिटमेंट है कि इस राज्य के जनजातियों को उनके नाम का पट्टा देना भारतीय जनता पार्टी का वादा है हम उसको पूरा करने वाले हैं तो कुल मिलाकर के ये दो अलग पार्टियां हैं तो निचले स्तर में तो मतभेद तो रहेंगे ही ना कि कोई एक पद होगा तो वहां पर जो बीजेपी के कार्यकर्ता है उनको लगेगा ये पद मुझे मिलना चाहिए वहां पर आईपीएफटी के कार्यकर्ता है उनको लगेगा ये पद उनको मिलना चाहिए आईपीएफटी वालों को मिलेगा तो बीजेपी वाले नाराज होंगे बीजेपी वालों को मिलेगा तो आईपीएफटी नाराज होगी ये तो जहां जहां भारत में अलायंस है सब जगह पर यह होता है लेकिन इसके कारण कोई नीतिगत मनमुटाव होता है या नेताओं के अंदर कोई बहुत बड़ा रिसेंटमेंट होता है ऐसा बिल्कुल नहीं है आईपीएफटी और भारतीय जनता पार्टी का बंधन अटूट है पूर्ण पांच साल का कार्यकाल ये गठबंधन पूरा करेगा और एक साथ मिलकर इस राज्य के को एक त्रिपुरा श्रेष्ठ त्रिपुरा बनाने के लिए और सभी जाति के जनजाति के लोगों का समान डेवलपमेंट करने के लिए ये दोनों पार्टियां कमिटेड है निचले स्तर पर अगर कोई चीजें होती है अब जैसे आपने ये अभी जो गड़बड़ी हुई इसके बारे में बताया देखिए मैं आपको याद दिलाता हूं 1980 में इसी प्रकार से कम्युनिस्ट पार्टी ने करने का प्रयास किया और वो उसमें इसलिए यशस्वी हुए क्योंकि उस समय उनका यहां पर बहुत बड़ा फोर्स था और ये उनकी सरकार रहते हुए जो बहुत बड़े पैमाने पर यहाँ पर दंगे हुए और फिर उन दंगों में जो यहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर लोगों की मौतें हुई जनजातियों और गैर जनजातियों का झगड़ा लगाना ये डिवाइड एंड रूल पॉलिसी ये कम्युनिस्टों की पॉलिसी है ये झगड़े लगाते हैं और झगड़े लगाकर राज्य करते हैं अब इनको समझ में आना चाहिए कि उनका ये तांडव चलने वाला नहीं है उनके ये सब षड्यंत्र चलने वाले नहीं है क्योंकि त्रिपुरा की जनता के मन से ये लोग उतर चुके हैं अब वो मन में वापस आने वाले नहीं है अब ये जैसे आज ही Uh, किसी ने मुझे बहुत बड़ी मिठाई सामने रखी मैंने बताया भैया जिस दुश्मन को मैंने अपने शरीर से निकाल डाला है अब उसको मैं वापस लेने वाला नहीं हूं ये जैसे मैं उस मिठाई को अंदर वापस लेने वाला नहीं हूं वैसे त्रिपुरा उस सीपीएम नाम के जहर को अभी वापस पीने वाला नहीं है वापस लेने वाला नहीं है लेकिन वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ट्राइबल नॉन ट्राइबल में झगड़ा लग जाए भारतीय जनता पार्टी और आईपीएफ का गठबंधन ये झगड़ा कभी भी होने नहीं देगी ये सरकार इस प्रकार का झगड़ा नहीं होने देगी और जो घटना हुई है वो घटना में जो भी अगर कोई गलती हुई है तो उसकी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी तो बताई ही है तो ये इंक्वायरी के परिणाम तुरंत ही कुछ दिन में आ जाएंगे की को लेकर बहुत बातें हो रही थी और बोल रहे हैं कि वो ह्योमिनिज्म नहीं है वो जो गोली चली गई है देखिए ऐसा अगर है ये अगर इसके इंक्वायरी में बाहर बाहर आता है तो हम भी कहेंगे ना कि भैया गलत है करके गलत को गलत कहने में हम लोग कहीं पीछे हटने वाले नहीं है लेकिन टाइम बाउंड इंक्वायरी त्रिपुरा में कभी भी नहीं हुई थी आज तक ये तो माणिक सरकार महोदय की जो इंक्वायरिया रहती थी ये सब आई वॉश रहता था विप्लव दा ने बहुत ऑनेस्टली इंक्वायरी ऑर्डर की है और टाइम बाउंड इंक्वायरी ऑर्डर की है जिसका मेरे अनुमान से इस महीने तक छब्बीस जनवरी तक छब्बीस जनवरी पंद्रह दिन ज्यादा लगेंगे मान लीजिए लेकिन ये इसके परिणाम आ जाएंगे और जैसे परिणाम आएंगे मुझे पूरा भरोसा है कि अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उसके ऊपर कार्रवाई भी विप्लवदा करेंगे क्योंकि वही गृह मंत्री है और वो जनजातियों से इस राज्य के जनजातियों से नितांत प्रेम करते हैं आपको पता है किस तरह से वो गंडाछारा में जनजातीय गांव में जाकर उनको न्याय दिलाने के लिए जब विपक्ष में थे तब जाकर आंदोलन किया था जब सत्ता में आए तब वहां जाकर उनको न्याय दिलाने का काम किया मुख्यमंत्री बनने के दिन से जो उन्होंने जनजातीय गमछे को गले लगाया जो माणिक सरकार ने पच्चीस साल कभी नहीं पहना था वो हमारे विप्लवदा रोज आज भी उसको पहनकर निकलते हैं उनके दिल में उसके लिए जगह है और कहां जह, जहां भी जाते हैं जनजातीय है, इलाकों में जाते हैं लोगों से मिलकर उनसे बातचीत करके वन टू वन बातचीत करके उनकी समस्याएं सुनते तो मुझे नहीं लगता और फिर इस घटना के बाद में फिर आ, मेवार जमातिया जी जी विप्लबदा सबने मिलकर ही तो प्रेस कॉन्फ्रेंस बाद में करके सारी बातों का खुलासा किया था और ये दिखा दिया था कि हमें कोई मनमुटाव नहीं है सीपीएम कितना भी कोशिश करे कांग्रेस कितना भी कोशिश करे तोड़ने की लेकिन अब त्रिपुरा टूटने वाला नहीं है जनजातीय और बंगाली दोनों मां त्रिपुरा सुंदरी के बेटे हैं दोनों की मां एक है दोनों आपस में भाई भाई है और दोनों एकत्रित आएंगे त्रिपुरा की स्ट्रेंथ बढ़ेगी दोनों बढ़ जाएंगे त्रिपुरा कमजोर होगा न जनजातियों का भला होगा ना बंगालियों का भला होगा ये भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है एकत्रित लाने का काम क्योंकि नरेंद्र मोदी जी सबको साथ लेकर चलने वाले व्यक्ति है अटल बिहारी वाजपेयी जी सबको साथ लेकर चलने वाले व्यक्ति थे और इसलिए सबका साथ सबका विकास हमारा नारा है और मैं फिर एक बार हेडलाइंस त्रिपुरा के माध्यम से त्रिपुरा की जनता को आश्वस्त करना चाहता हूं कि इस प्रकार के कोई भी साजिशें हम कामयाब होने नहीं देंगे दोनों की तरफ समान ध्यान रखेंगे दोनों का समान विकास करेंगे किसी को भी पीछे पड़ने नहीं देंगे मेरा भरोसा कीजिए और इन षड्यंत्रकारियों की बातों को आप ना सुने और सबसे पहली बात मैं आप सबको बताना चाहता हूं मैंने त्रिपुरा में चार साल देखा है कि ये कम्युनिस्ट पार्टी जो है ये झूठे प्रसंग छोड़ देती है अफवाहें फैला देती है जनजातियों में जो कम्युनिस्ट है वो ऐसी अफवाहें फैलाते हैं ऐसा कुछ चित्र बवंडर खड़ा करते हैं कि जनजातियों को बहुत मारा है बहुत मारा है बहुत मारा है बंगाली जो कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ता रहते थे वो बंगालियों में अफवाहें फैलाते हैं कि बंगालियों को बहुत मारा है बंगालियों को बहुत मारा है और हम लोग बिना छानबीन किए जो सुना वो दूसरे को बताना तीसरे को बताना ये करते रहे लेकिन बाद में जाकर देखते तो सत्य कुछ अलग ही था तो मेरा ऐसा कहना है कि किसी भी प्रकार की अफवाह के ऊपर विश्वास न रखे और बिना किसी भी जांच के बिना किसी भी सबूत के कोई भी बात अगर आपको बताता है कोई व्हाट्सएप पर आपको मैसेज आता है कोई डॉक्टर वीडियो आ जाता है डॉक्टर कोई बदमाशी करके कोई फोटो निकाल कर डालता है तो उसके बिना वेरिफिकेशन के हमने व्हाट्सएप पर फेसबुक पर नहीं डालना चाहिए सोशल मीडिया पर उसको नहीं चलाना चाहिए हमने षड्यंत्रकारियों के जाल में नहीं फंसना चाहिए ये मुझे लगता है अब त्रिपुरा के प्रभारी भी प्रभारी है तो संगठन में आपका कद बहुत ऊंचा है त्रिपुरा के नाते इसलिए त्रिपुरा में जो पार्टी का संगठन है उसके बारे में आपसे एक सवाल है इलेक्शन के बाद ही ऐसा बोला जा रहा है कि इलेक्शन के पहले बीजेपी का जैसा संगठन रचा गया था वो टूटता गया टूट सा गया है अभी कुछ मंडल के खिलाफ ऐसा भी एलिगेशन आए हैं कि वो गैर कानूनी काम कर रहे हैं ऐसे भी कुछ एलिगेशन आ रहे हैं संगठन के राज्य नेतृत्व का वो उस मंडल तक पृष्ठ प्रमुख तक पहुंच जो है उसमें कुछ दूरिया सा हो गया है ऐसा बोला जा रहा है मतलब संगठन में पकड़ जो है वो थोड़ा सा ढीली हो गई है ऐसा बोला जा रहा है क्या बोलेंगे जब भी इस प्रकार की कोई संगठन में गड़बड़ी होती है और संगठन में नाराजगी निर्माण होती है आपस में झगड़े बढ़ते हैं और संगठन कमजोर होता है यह सत्य है या झूठ है यह बताने का हमारे पास एक लिटमस टेस्ट होता है जब पार्टी कोई बड़ा कार्यक्रम करती है और उसमें जब संगठन के निचले स्तर के सभी कार्यकर्ताओं को बुलाते हैं तब अगर पार्टी के ऊपर निचले स्तर का कार्यकर्ता नाराज है तो वो नहीं जाता है वो अपना अपनी नाराजगी दिखाता है नहीं हम नहीं जाएंगे वहां पर और फिर वो बड़े बड़े प्रोग्राम फ्लॉप होते हैं चुनाव के दरमियान मैंने देखा था कम्युनिस्ट पार्टी के बड़े बड़े प्रोग्राम्स फ्लॉप हो रहे थे इसका कारण यह था कि कम्युनिस्ट पार्टी का जो एक जमाने में बहुत बड़ा संगठन निचले स्तर तक रहता था उन्होंने अपने ही कार्यकर्ताओं का शोषण करना शुरू किया उन्होंने अपने ही कार्यकर्ताओं के सर पे पैर रखकर ऊपर उठकर खुद बड़े हो गए उनको जमीन में गाड़ना चालू किया अपने ही कार्यकर्ताओं का शोषण करना शुरू किया प्रताड़ित किया तब स्वाभाविक था कि कम्युनिस्ट पार्टी इलेक्शन के समय कमजोर दिखाई देने लगी और अंत में हार गई मैं आपके सारे आरोपों को खारिज करता हूं एक सबूत देकर कि जब अभी अभी पांच तारीख को इस महीने के जब अमित भाई शाह जी आए थे और हमने पृष्ठा प्रमुख सम्मेलन यहां पर रखा था तब इस पृष्ठा प्रमुख सम्मेलन के दो दिन पहले मैं खुद इस राज्य में था मैंने पूरा जायजा लिया क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उसके पहले मैं 31 तारीख को न्यू ईयर भी मैंने हमेशा की तरह त्रिपुरा वासियों के साथ ही मनाया था यहीं पर रहा था अंग्रेजों का नवीन वर्ष उस समय भी मैंने जायजा लिया था ऐसे समय में मैं आपको बताना चाहता हूं जो अस्तवाल मैदान में स्वामी विवेकानंद मैदान में जो नजारा था कि चालीस हजार पृष्ठा प्रमुख ये भीड़ नहीं थी ये वहां पर जमावड़ा नहीं था ये एक्चुअल पृष्ठा प्रमुख निचले स्तर से वहां पर आए थे और अपने हाथ में वोटर लिस्ट का पृष्ठ लेकर आए थे कि इस पृष्ठ का मैं पृष्ठा प्रमुख हूं और वो सारे सामने जो नजारा था जब विप्लव दा ने उन सबको आह्वान किया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को अपना पृष्ठ दिखाइए तब जो उन्होंने सफेद रंग का पृष्ठ हवा में लहराया उससे तो मेरा दिल भर आया आंखों में आंसू आ गए अमित भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद अपनी जगह पर खड़े रहे चार कदम सामने जाकर सारे पृष्ठा प्रमुखों को हाथ जोड़कर उन्होंने वंदन किया इतने बड़े दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष लेकिन वो नतमस्तक हुआ त्रिपुरा के चालीस हजार पृष्ठ प्रमुख सामान्य कार्यकर्ताओं के सामने नतमस्तक होकर उनसे आशीर्वाद मांगने के लिए उन्होंने हाथ जोड़कर प्रणाम किए इतना ही नहीं उसके बाद में अमित भाई शाह भारत के जिस किसी राज्य में गए हर राज्य की कार्यकर्ता सम्मेलन में शक्ति केंद्र प्रमुख सम्मेलन में उन्होंने कहा कि त्रिपुरा का आदर्श लीजिए त्रिपुरा ने जैसा संगठन बनाया है वैसे अपने राज्यों में संगठन बनाइए अभी या इस राज्य के इलेक्शन इंचार्ज नियुक्त तो हुए पार्लियामेंट इलेक्शन इंचार्ज प्रभारी ये अविनाश राय खन्ना जी वो आए थे मैं नहीं था यहां पर तो विप्लबदा की उनकी बातचीत हुई थी तो कल ही मुझे मुख्यमंत्री जी ने बताया कि अविनाश राय खन्ना जी बता रहे थे कि पंजाब जम्मू कश्मीर जहां जहां पर अमित भाई शाह जी गए उन्होंने सब जगह पर त्रिपुरा का एग्जाम्पल रखा त्रिपुरा हैज बिकम एन एग्जाम्पलरी थिंग कि देखो ये त्रिपुरा कर सकता है भोपाल जी कोई संगठन में समस्या नहीं है और जैसे मैंने कहा कि हाथ की पांच उंगलियां एक समान नहीं रहती एक ऐसा लक्ष्य था कि हमें किसी भी हालत में कम्युनिस्ट पार्टी को यहां से हटाना है, इस जुल्मी सत्ता को यहां से उखाड़कर फेंकना है तब सबका लक्ष्य वहां था सब लोग मिलकर एक जज्बे से काम कर रहे थे सरकार आने के बाद वो लक्ष्य खत्म हो गया अब नया लक्ष्य उनके सामने दिया है कि अभी हमें त्रिपुरा को श्रेष्ठ त्रिपुरा बनाना है यह केवल सरकार का, का काम नहीं है पार्टी के कार्यकर्ताओं के भी दायित्व तो है तो उस लक्ष्य को पूरी तरह से संगठन के गले उतार कर उनको उस मोल्ड में लाने के लिए कुछ तो समय लगेगा तब तक थोड़ा सा टकराव इसलिए भी होगा क्योंकि नीचे सारा जो कम्युनिस्ट पार्टी का मजबूरी से कम्युनिस्ट जो थे सीपीएम ही थे वो सब बीजेपी में आ गए तो पहले तो सीपीएम बीजेपी सीपीएम बीजेपी चलता था वो अंदर आने के बाद वो बीजेपी हो गए ये पहले वाला बीजेपी बाद में वाला बीजेपी पहले वाला बीजेपी बाद में वाला बीजेपी चालू हो गया अब उनका प्रशिक्षण करना पड़ेगा उनको समझाना पड़ेगा बीजेपी के कायदे कानून सिखाने पड़ेंगे इट विल टेक टाइम एक्टू शोमो देते हुए आम ही सब किचू ठीक कर अभी शिक्षा जारी है क्या हाँ सब चालू है अच्छा और एक सवाल त्रिपुरा में अभी अभी लोकसभा इलेक्शन आने वाले हैं और ऐसा बोला जा रहा है कि आप त्रिपुरा से लोकसभा चुनाव में आप मतलब कैंडिडेट बन सकते हैं तो त्रिपुरा के लोकसभा चुनाव को लेकर और आपके प्रार्थी पद को लेकर थोड़ा खुलासा करना चाहते हैं मैंने मतलब चाहता हूं कुछ बताइए मैं बार बार पहले भी बोल चुका हूँ मैं अभी फिर एक बार बताता हूँ मेरी ऐसी कोई इच्छा नहीं है आपने मुझे पूछा पहले भी किसी टीवी चैनल में मुझे पूछा लोग भी बहुत बड़े पैमाने पर पूछते हैं मैंने सुना किसी टीवी चैनल पे वोटिंग लिया था उसमें भी मेरा नाम आया था त्रिपुरा वासियों के इस प्रेम के लिए मैं शतशहा ऋणी हूं आपका आभारी हूं मैं फिर एक बार आपको हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं त्रिपुरा मेरे दिल का एक अनसेपरेबल पार्ट बन चुका है मैं कहीं भी जाऊं दुनिया में जब तक मैं जीवित रहूंगा अंतिम सांस तक मैं त्रिपुरा वासियों का रहूंगा ये मेरा आपको वादा है मतलब भरे संगठन की दृष्टि से त्रिपुरा का काम मेरे पास रहेगा नहीं रहेगा मैं नहीं बता सकता मैं इतनी तो मेरी इच्छा रहेगी ही कि ये पांच साल सरकार अच्छी चलने तक और ये सरकार फिर एक बार बनने तक मैं रहूं ये मेरी इच्छा तो रहेगी लेकिन दायित्व तो नहीं भी रहा तो भी मैं त्रिपुरा वासियों का रहूंगा और जहां भी रहूंगा त्रिपुरा वासियों के लिए कुछ ना कुछ मैं करता रहूंगा ये मेरा वादा है अब जब तक प्रार्थी बनने का सवाल है मेरे पास एक लोकसभा नहीं मेरे पास सत्ताईस लोकसभाओं का दायित्व तो है आंध्र प्रदेश के 25 लोकसभाओं का जैसे अविनाश राय खन्ना जी इस राज्य के इलेक्शन इंचार्ज बने हैं वैसे मुझे आंध्र का संगठन का भी कोई इंचार्ज बनाया है और इलेक्शन का भी कोई इंचार्ज मुझे कोई बनाया है अच्छा तो संगठन भी देखना है इलेक्शन प्रोसीजर भी आंध्र प्रदेश में मुझे देखनी है और त्रिपुरा का संगठन इंचार्ज तो मैं हूं ही तो संगठन यहां देखना ही है मुझे तो मेरे पास मैं मानता हूं 27 लोकसभाओं का काम है आप मुझे एक लोकसभा तक सीमित मत रखिए और मैं इतना वादा जरूर त्रिपुरा वासियों से करता हूं कि दोनों सीटों पर हम बेहतरीन कैंडिडेट देंगे और ऐसा कैंडिडेट देंगे कि दिल्ली से सारी विकास की गंगा वो त्रिपुरा में लेकर आएगा और जिस प्रकार के कम्युनिस्ट पार्टी ने यहां पर कैंडिडेट दिए कि जिनको ढूंढो ढूंढो रे साजना का गीत याद आता है भैया ये कहां गया हमको तो सांसद दिखाई नहीं देता है अचानक अब जब इलेक्शन नजदीक आ गया है तब ये दोनों जो है डर के मारे सब जगह घूम रहे भैया कुछ तो दिखाई देना चाहिए चेहरा इसलिए मीडिया की सुर्खियों में भी जितेंद्र जी आ रहे हैं और वो शंकर जी भी आ रहे हैं मैं देख रहा हूं लेकिन इन्होंने कुछ काम नहीं किया भाई साहब इन्होंने ये भले व्यक्ति होंगे लेकिन इनकी पार्टी भली नहीं थी पार्टी के कारण जो बदनामी हुई है ना वो आदमी के भलाई को खत्म कर देती है तो इसलिए मेरा ये मानना है कि हम बहुत अच्छे कैंडिडेट देंगे और मैं आपके माध्यम से त्रिपुरावासियों से फिर एक बार आशीर्वाद चाहता हूं कि सारे त्रिपुरावासी नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़े रहे और नरेंद्र मोदी जी को देखिए ये चुनाव मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए चुनाव है याद रखिए मेरे भाई और बहनों उस व्यक्ति के लिए यह चुनाव आएगा लोकसभा का चुनाव जिसने आपको घर दिया है और एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा त्रिपुरा कितने साल के बाद पहली बार एक्सपीरियंस कर रहा है कि जिस पार्टी की केंद्र में बहुमत की सरकार है उसी पार्टी की राज्य में बहुमत की सरकार है कितना आसान है प्रधानमंत्री आवास दिया माणिक सरकार ने देने नहीं दिया घोटाले किए झूठे बीपीएल वाले डाले और अपने ही पार्टी के कार्यकर्ताओं को देने का प्रयास किया विप्लवदा ने उसी समय उसको बंद करवाने का काम किया अब प्रधानमंत्री आवास जो डिजर्विंग लोग हैं उनको मिल रहा है उज्ज्वला योजना का सिलेंडर जिसका राज्य सरकार से कोई संबंध नहीं था लेकिन गुंडागर्दी के तौर पर उन्होंने करने नहीं दिया था विप्लबदा जिष्णुदा आने के बाद आज आप देखते हैं कि सिलेंडर सबको मिलना शुरू हो गया है हर चीज सात करोड़ के रास्तों के नितिन गडकरी जी ने सैंक्शन कर दिए त्रिपुरा के लिए प्रोजेक्ट आने वाले चार साल में सात हजार करोड़ लागत के सड़कें त्रिपुरा में बनेगी देखिए इतना लाभ त्रिपुरा वासियों को होगा रेलवे कभी आपने सिट्टी सुनी थी आगरतला में जो यहां ब्रॉडगेज आई वो उदयपुर तक पहुंची वो जाकर बिलोनिया तक रेलवे लाइन रेडी हो गई है कितना तेजी से और मैं आपसे वादा करता हूं खोआई के रास्ते से जो अलग से होने वाला है जो रेलवे रूट वो रेलवे रूट भी अगले पांच साल मोदी सरकार के समय अखौरा के रास्ते से बांग्लादेश से जाने वाली ट्रेन अगले पांच साल मोदी सरकार के समय आपको देखने को मिलेगा बड़ी तेजी से काम करने वाली ये सरकार है ये प्रधानमंत्री चुनने का ये चुनाव आएगा ये चुनाव जो है ये हमारे गली में काम हुआ कि नहीं हमारे इस मोहल्ले में काम हुआ कि नहीं हमारा कैंडिडेट हमारी कास्ट का है या नहीं है इन सब चीजों के लिए यह चुनाव नहीं रहता है ये पार्लियामेंट की इलेक्शन देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा यह तय करने वाला चुनाव होता है और नरेंद्र मोदी जी ही प्रधानमंत्री चाहिए मुझे मालूम है त्रिपुरा की जनता जिस तरह से सारे भारत की जनता प्रेम करती है उसी भारत के अंदर मेरे छोटे से त्रिपुरा के 37 लाख त्रिपुरावासी चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी फिर एक बार प्रधानमंत्री बने और इसलिए मैं आपसे आशीर्वाद मांगता हूं दो की दो सीटें संपूर्ण बहुमत के साथ इन कांग्रेस के पापी कांग्रेस के दुष्ट कांग्रेस के भ्रष्टाचारी कांग्रेस के और अत्याचारी सीपीएम के देखिए ये गठबंधन करने वाले आज ही मैं बता के रखता हूं ये लोग गठबंधन करेंगे और हम तो डूबे सनम तुमको तो भी तो हाँ करेंगे मैं बता के रखता हूं ये गठबंधन करेंगे इनको सब जगह गठबंधन करना पड़ेगा बुरी तरह से हारने वाले है ही गठबंधन करेंगे तो और भी बुरी तरह से हारेंगे लेकिन वो करेंगे और मैं आपको बताता हूं कि इनको आप उखाड़ कर फेंक दीजिए और भारतीय जनता पार्टी को दो सांसद आप दीजिए कमल के फूल को दीजिए पद्म फूल को दीजिए और मोदी जी को फिर एक बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए सारे त्रिपुरावासी हमारा साथ दे विप्लबता का साथ दे मेरा साथ दे ये मैं आप सबसे करबद्ध निवेदन हेडलाइंस त्रिपुरावासियों को करता हूँ लेकिन कलकत्ता में महागठबंधन के ममता पंतोपाध है कि जो आ, एला, एम, आ, आह्वान पे महागठबंधन के जो रैली हुए हैं जिसमें देश भर से तमाम बड़े बड़े दिग्गज नेता आए हैं और सभी लोग आ, मोदी को ही अटैक कर रहे थे और आपके गवर्नमेंट को तो अब, अब कर ही कर, रहे थे तो मेरा सवाल ये है कि ये गठबंधन जो है वो आपके जो ड्रीम है उसके बीच में कोई कितना रुकावट डालेगा या वो <laughs> सच ना हो जाए मुझे अभी याद नहीं कोई गोविंदा की फिल्म थी अब फिल्म का नाम याद नहीं आ रहा है लेकिन उसमें गाना था मैं तुमसे प्यार करूंगा कुर्ता फाड़ के जैसे ये महाठगबंधन कुछ गलत बोल गया क्या मैं महागठबंधन ठगबंधन <laughs> हाँ तो इन्होंने ये भी जो है ना आप सिर्फ एक सवाल पूछे कि आप में से प्रधानमंत्री कौन बनेगा देखिए एक दूसरे को कपड़े फाड़ना चालू करेंगे ये लोग ये ये जो महागठबंधन की जो आप बात करते हैं ना ये सब अपने अपने राज्य के शेर हैं इनका दूसरे राज्य में कोई परिणाम नहीं है अमित शाह जी जाते पूरे देश में शेर जैसा प्रवास करता है लाखों की संख्या में लोग उनको सुनने के लिए आते हैं अमित भाई तमिलनाडु में जाएंगे लाखों की संख्या में लोग आएंगे मोदी जी तमिलनाडु में जाएंगे केरल में जाएंगे नागालैंड में जाएंगे मणिपुर में जाएंगे तो हजारों लाखों की संख्या में लोग सुनने के लिए आएंगे एक ही नेता देश भर जाएंगे पॉपुलैरिटी है स्मृति ईरानी जी एक ही नेत्री है देश भर में जाएंगी पॉपुलैरिटी है राजनाथ सिंह जी नितिन गडकरी जी जहां भी जाएंगे वहां पॉपुलैरिटी है लेकिन आप योगी आदित्यनाथ को देखिए योगी आदित्यनाथ त्रिपुरा आए थे रोड शो करने के लिए निकले कितने बड़े पैमाने पर लोग योगी को देखने के लिए आए थे हमारी पार्टी के नेता सारे देश में छाए हुए हैं आप मुझे बताइए ममता बनर्जी उत्तर प्रदेश में रोड शो करने के लिए गई कितने लोग आएंगे देखने के लिए ममता बनर्जी के भाषण को सुनने के लिए कितने लोग आएंगे वहां पर चंद्रा बाबू नायडू जिसको मैं प्यार से चंदा बाबू कहता हूं क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने बहुत सारा चंदा जो तेलुगु देशम पार्टी के राज्य सरकार को दिया वहां पर आंध्र प्रदेश में वो चंदा खा गए इसलिए चंद्रा बाबू नायडू नहीं है चंदा बाबू नायडू है तो ये माणिक बाबू के बाद में मेरे नसीब में वो चंदा बाबू है तो ये जो चंदा बाबू तो इस बार पक्का जाएगा मैं वादा करता हूं आज यहां वादा करता हूं और इलेक्शन खत्म होने के बाद मैं वापस यहां आकर बैठूंगा और मैं दिखाऊंगा कि आंध्र प्रदेश में चंदा बाबू खत्म हो गया अच्छा। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि बाबू नायडू की पश्चिम बंगाल में सभा रखी है कितने लोग उसको सुनने जाएंगे मुलायम सिंह यादव को यादव को तमिलनाडु लेकर जाइए कितने लोग उसको सुनने के लिए आएंगे अखिलेश यादव को कितने लोग सुनने के लिए आएंगे तो ये लोग अपने अपने राज्य में और इनके साथ तो हम पहले भी लड़े हुए हैं इनके साथ इनके राज्य में पहले लड़कर हम जीते हुए हैं तो ये लोग एकत्रित आकर क्या करेंगे हां थोड़ा जो है जो गणित जो गड़बड़ाता है दिखाई देता है वो उत्तर प्रदेश में दिखाई देता है क्योंकि उत्तर प्रदेश में ये दोनों एकत्रित आने से इन दोनों की अपनी बड़ी वोट बैंक है लेकिन आज मैं एक बात बताता हूं उत्तर प्रदेश में कोई कैजुअलिटी नहीं होगी आज हमारे अलायंस पार्टनर के साथ अपना दल के साथ मिलकर 73 है इकहत्तर बीजेपी के सांसद है दो अपना दल के हैं, 73 है अभी 73 नहीं है शायद कर, क्योंकि पिछले दो सीटों में 2014 में थे हां 73 थे आज दो कम भी हो गए हैं मैं आपको बताता हूं लेकिन हम तिहत्तर के चौहत्तर होंगे बहत्तर नहीं होंगे इसका कारण है आज आप मैं त्रिपुरा वासियों को कुंभ में आने का न्यौता देता हूं आप जाइए कुंभ में जो बेहतरीन व्यवस्थाएं मोदी सरकार और योगी सरकार ने कुंभ में की है ऐसी व्यवस्थाएं कभी कुंभ में नहीं हुई थी अलाहाबाद जिसको उन्होंने प्रयागराज कर दिया सबसे पहले उस अलाहाबाद का कुछ लेना देना नहीं था वो नाम हटा दिया और प्रयागराज किया उस प्रयागराज नगरी में जाकर देखिए कितनी सुंदर उस नगरी को बनाई है कितने फ्लाईओवर्स नवे बने कितनी सड़कें नई बनी है पूरे उत्तर प्रदेश में इसी प्रकार से कायाकल्प हुआ है नरेंद्र मोदी जी की गरीब कल्याण की जो योजनाएं हैं सब जगह पहुंचे हमारे विप्लव सरकार के आने के बाद नरेंद्र मोदी जी की सारी योजनाओं को लागू करने का काम जैसे अभी किसानों को यह मिनिमम सपोर्ट प्राइस जब बढ़ा दिया एमएसपी जब बढ़ा दिया किसानों का तब बारह साढ़े बारह रुपया दस से बारह रुपया किलो का जो चावल इस राज्य का धान इस राज्य का किसान जो बेचता था उसको सत्रह साढ़े सत्रह रुपए में फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया खरीदेगी पंद्रह हजार मेट्रिक टन धान जो है ये सरकार खरीदेगी कितना बड़ा लाभ इस राज्य के किसानों को होगा मतलब नरेंद्र मोदी जी का फसल बीमा योजना का, का काम कृषि विकास केंद्र का काम का 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 किसान क्रेडिट कार्ड का काम का एक के पीछे एक काम किसानों के लिए जो नरेंद्र मोदी सरकार ने किए क्या उत्तर प्रदेश के किसानों का मैं आपको बताता हूं पहले जब यूरिया आता था ना तब यूरिया को लूटने के लिए जाते थे किसान मारा मारी होती थी जख्मी होते थे गोलियां चलती थी लोग मरते थे यूरिया लेकर जाने के लिए और यूरिया की काला व्यापारी होती थी काला बाजारी होती थी वो यूरिया जो है यूरिया घोटाला कितना बड़ा घोटाला लालू ने किया है ये यूरिया कंपनियां जिन कंपनियों को यूरिया लगता है केमिकल कंपनियां वो खरीद लेती थी कौड़ियों के दाम में और सरकारी अधिकारी और पॉलिटिशियन भ्रष्टाचार करते थे एक छोटी सी आइडिया नरेंद्र मोदी सरकार ने की उस यूरिया को नीम कोटेड कर दिया नीम नीम का पेड़ औषधि है गुणकारी है उस नीम का कोटिंग यूरिया को कर दिया एक झटके में वो सारी केमिकल कंपनियों को वो यूरिया नाकाम हो गया और अपने आप ये जो यूरिया घोटाला होता था सब बंद हो गया और जितना प्यार से यूरिया गए पांच साल में लोगों को मिला है क्या किसान खुश नहीं है उससे लेकिन किसान की मोर्चा भी तो है अब की सरकार अब मोर्चा तो निकालेंगे ही विपक्ष के लोग कुछ ना कुछ तो करेंगे ही किसानों का मोर्चा अगर रियल किसानों का मोर्चा करके जाता और किसानों के नेता उसमें अगर भाषण देते तो मैं सलाम करता हूं उन किसानों को आज भी सलाम करता हूं अपने ऊपर कोई अन्याय होता है तो किसानों को सड़क पर उतरकर उस अन्याय का प्रतिकार करने का पूरा अधिकार है लेकिन किसानों का मोर्चा हुआ और उसके बाद में उसमें भाषण करने के लिए कौन आए उसमें राहुल गांधी गए सीताराम येचुरी गए मतलब यही सारी जो गैंग है देशद्रोही गैंग जो है ठगों की गैंग जो है वो जहां जाकर वहां पर बैठी इसका मतलब वो प्रायोजित मोर्चा था तो ये प्रायोजित मोर्चा से कहा घबराए किसानों को पता है पिछले इलेक्शन में तो इसका असर भी देखा गया है तीन राज्यों में आपका बहुत बुरी तरह से हार हुआ है नहीं मैं आपको बताना चाहूंगा बुरी तरह से हार वास्तविक में एमपी में, में नहीं है, है। बाकी प्रदेश में।, में नहीं हुए हाँ। और किसानों का मुद्दा वहीं पर था अच्छा किसानों का आंदोलन बहुत बड़े पैमाने पर मध्य प्रदेश में ही हुआ था और मध्य प्रदेश में जिस रीजन में किसानों का आंदोलन हुआ था उसमें से दस में से आठ सीटें बीजेपी जीती है किसानों के कारण हम चुनाव नहीं हारे चुनाव हारने के कारण है बहुत सारे कारण है उन कारणों की भारतीय जनता पार्टी समीक्षा कर रही है जो मैंडेट उन राज्य सरकारों के खिलाफ मिला है उसको हमने स्वीकार किया है लेकिन मैं भरोसा दिलाना चाहता हूं राजस्थान मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आप किसी भी सामान्य आदमी को एक फोन लगाकर पूछिए और उसको बताइए लोकसभा के बारे में आपका क्या मत है वो आपको स्पष्ट बताएंगे ये जो भी हमने मैंडेट दिया था वो उन राज्य सरकारों के खिलाफ था केंद्र सरकार से कोई नाराजगी नहीं है हमें मोदी ही वापस चाहिए ये आपको जवाब राजस्थान की गली में मिलेगा मध्य प्रदेश की गली में मिलेगा छत्तीसगढ़ में मिलेगा अच्छा, ये तो, तो मेरी दृष्टि से इस गठबंधन का कोई भी इफेक्ट निगेटिव इफेक्ट होने वाला नहीं है देश की जनता ने निर्णय किया है उन्हें नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री चाहिए इसमें कुछ बागी भी तो है आपके पार्टी के जसवंत सिन्हा शत्रुघ्न सिन्हा ये तो ये गठबंधन के पक्ष में बहुत बड़ा एक मतलब सक्सेस बोल सकते हैं चलिए अच्छा है जब हम साफ से साफ दुकान से भी जब चावल लेकर आते हैं तो एक दो कंकर उसमें भी निकल जाते हैं चलो हम उनको भी एक्सेप्ट कर लेते हैं हमारे अंदर थे जो निकल गए निजी स्वार्थ को जब कोई भी व्यक्ति पार्टी के और देश के स्वार्थ के ऊपर लेकर जाता है तब तो उसमें से यशवंत सिन्हा अरुण शौरी बाद में ये आपके शत्रुघ्न सिन्हा कीर्ति आजाद जैसे लोग निकलते हैं उनको कहीं ना कहीं मिनिस्ट्री नहीं मिली उनको जो है कुछ चीजें चाहिए थी नहीं मिली उनको जो राजनीतिक अंदर का खाने जिन जो प्रतिद्वंद्वी जिनको मानते थे उनको कुछ मिला उसकी नाराजगी के कारण तो खैर ऐसे लोगों को हम बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं देते हैं सभी पार्टियों में ये होता है नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारे सीट पाएंगे आप लोग ऐसे बोल रहे बोल रहे हैं अभी भी लेकिन वो सिटीजनशिप अमेंडमेंट को लेकर नॉर्थ ईस्ट में ऐसा बोला जा रहा है कि बीजेपी सरकार जो है वो बांग्लादेशियों को इस नॉर्थ ईस्ट में स्थान देना चाहते हैं इसलिए सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल जो है वो लाया गया है और इसके बाद इस मुद्दे पर बंद भी हुआ है जिसका असर मधब बरी पे भी देखा गया था सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल का असर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट पर बीजेपी को धक्का देगा क्या मैं फिर एक बार बताना चाहूंगा आपको कि विकास महत्वपूर्ण है या यह मुद्दा महत्वपूर्ण है? हुँ. जिस तेजी से जिस तेज रफ्तार से नॉर्थ ईस्ट में विकास हुआ है त्रिपुरावासी तो देख ही रहे त्रिपुरा का विकास लेकिन असम में जाकर देखिए जो सालों से बोगीविल ब्रिज खाली पड़ा हुआ था बंद नहीं रहा था मोदी सरकार ने आकर फटाफट उस ब्रिज को चालू कर दिया ब्रह्मपुत्र आप आठ किलोमीटर आराम से आप ब्रह्मपुत्रा पार करते हैं आपके कितने घंटे बच गए लोगों के सड़कें बनी है रेलवे बनी है एयरपोर्ट छोटे छोटे बन रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है बाकी गरीब कल्याण की सारी योजनाएं तो मिल ही रही है भर भर के उसके अलावा ये सारी चीजें भी मिल रही है एक तरफ ये सब प्रकार का विकास एक तरफ युवाओं को मिलने वाला रोजगार एक तरफ लोगों का बढ़ने वाला बैंक बैलेंस एक तरफ गरीब गरीबों के खुले हुए खाते एक तरफ गरीबों के खातों में डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर डीबीटी के माध्यम से करोड़ों लाखों करोड़ रुपए गरीबों तक डायरेक्ट केंद्र सरकार से जाना बीच में दलाल लोगों का खत्म हो जाना यह सारी चीजें आप एक पलडे में रखिए और दूसरे पलडे में एक चीज रखिए कि आपके राज्य में बांग्लादेश से घुसपैठिए नहीं शरणार्थी आए बंगाली हिंदुओं को मुसलमानों ने पीट कर हत्याएं कर अत्याचार करके उनके राज्य से बाहर निकाला हमें याद करना होगा इस देश का बंटवारा क्यों हुआ इस देश का बंटवारा यह उपासना पद्धति के आधार पर हुआ मुसलमानों ने कहा कि हमें हिंदुओं के साथ नहीं रहना है हमें अलग देश चाहिए इसलिए पाकिस्तान बना कांग्रेस ने देश का विश्वासघात किया और इस देश का बंटवारा किया भारत अखंड रहेगा यह वादा सारे कांग्रेस के नेताओं ने किया था चुनाव लड़े थे चुनाव जीते थे और जबरदस्ती देश का बंटवारा इस देश के ऊपर थोपा गया और भारत की भूमि पर नाजायज कब्जा मुसलमानों ने किया उस नाजायज कब्जे का नाम पूर्व पाकिस्तान पश्चिम पाकिस्तान था तो बंटवारा होने का कारण ही धार्मिक था हिंदू मुसलमान था तो उसी समय यह क्लियर हो गया कि जो हिंदू है वहां का वो यहां कर रहे जो मुसलमान वहां जाएगा लेकिन महात्मा गांधी जी ने कहा कि मैं मुसलमानों को नहीं कहूंगा आप वहां से जाओ वहां के हिंदुओं को मैं कहूंगा कि आप जरूर यहां पर आ जाओ तो उस समय आए उससे पहले हजरत बल को लेकर जब दंगे हुए थे 1930 के समय 28 तीस के समय उस समय आए उसके बाद में जब 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 खालिदा जिया का जुल्मी शासन वहां पर आया और हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हुए हिंदू बंगाली आए पश्चिम बंगाल में आए आसाम में आए मेघालय में आए त्रिपुरा में आए सब जगह पर आए तो भारतीय जनता पार्टी कमिटेड है भारतीय जनता पार्टी मानती है कि सारी दुनिया में अगर हिंदू को कहीं भी निकाला जाता है तो उसके लिए पुण्य भूमि पितृभूमि एक ही है मातृभूमि एक है वो भारत है कहां जाएगा अमेरिका से कल अगर हिंदुओं को निकालते हैं तो हिंदू कहां जाएगा वो भारत में ही आएगा ना तो इसलिए त्रिपुरा का ये विषय ही नहीं है भाई साहब इसका कारण मैं बताता हूं त्रिपुरा में जो भी इकहत्तर के बाद में कभी भी जो बंगाली हिंदू आए हैं ये यहां पर ऑलरेडी सिटीजन बन चुके हैं इनके पास पूरी नागरिकता है यहां की ये अमेंडमेंट बिल जो है उनके लिए है कि जो हिंदू यहां पर आए लेकिन उनको यहां की नागरिकता नहीं है इसमें पहले ऐसा कोई बिल था ही नहीं कि जो इकहत्तर के बाद में आए हैं उनकी नागरिकता रद्द करके उनको वापस भेज ऐसा कोई आंदोलन भी नहीं था ऐसा कोई बिल के लाने की भी कोई बात नहीं ये बिल इसलिए था कि पश्चिम बंगाल में आज भी कलकत्ता में मुझे मालूम है लाखों की संख्या में बंगाली हिंदू है ईस्ट बंगाल से आए हुए जिनके पास वोटर आईडी नहीं है जिनके पास रेशन कार्ड नहीं है जो बेचारे नौकरी करके गरीब की तरह वहां पर रहते हैं उनको उनका अधिकार नहीं मिलता है असम में ऐसे कई लोग हैं कि जिनको उनका अधिकार नहीं मिला है बांग्लादेशी मुसलमान घुसपैठिया आता है वो सारी तिकड़मबाजी करके कम्युनिस्ट पार्टी कांग्रेस पार्टी इन सब लोगों के साथ वोट बैंक पॉलिटिक्स करके उनको यहां पर अपना बनाने का काम कर लेते हैं वो लोग तो रेगुलराइज हो जाते हैं हिंदू यह सब नहीं करता है तो बेचारा लटका रहता है पश्चिम पाकिस्तान से पाकिस्तान से जिन हिंदुओं को निकाला गया वो आज भी कश्मीर में पंजाब में दिल्ली में कई जगह पर आकर बेचारे बैठे उनको नागरिकता नहीं है तो क्या इनको मार डालने के लिए हम वापस भेजे पाकिस्तान कभी नहीं इसलिए हमने जो वादा किया था हमने असम की जनता को बताया था एनआरसी हम देंगे बांग्लादेशी मुसलमान घुसपैठियों को भारत से बाहर निकालना ये हमारा काम है हम निकालेंगे इसके लिए हम प्रतिबद्ध है और पूरे भारत से निकालेंगे लेकिन जो हिंदू है वो शरणार्थी है और वो शरणार्थी जहां बसे हैं और अगर कभी आते हैं तो नहीं बसाएंगे फिर देश भर में अन्य जगह पर उनको भेजेंगे बोला जा रहा है है कि ये गवर्नमेंट का कम्युनल फेस कम्युनल कैसे होता है ये कम्युनल तो कांग्रेस है जिसने बंटवारा किया ये कम्युनल तो मुस्लिम लीग है जिसने बंटवारा किया धार्मिक आधार पर किया वो तो बीजेपी ने नहीं किया वो तो जनसंघ ने नहीं किया वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने नहीं किया हम तो अखंड भारत मांगते थे हमने कहा था कोई ये मुसलमानों की दादागिरी चलने वाली नहीं है उनका ये देश पर अधिकार नहीं है भूमि पर अधिकार नहीं है सब जैसे वैसे वो है कोई अलग नहीं है इन्होंने अलग होने की बात कही ना मुसलमानों ने अलग देश मांगा है हिंदुओं ने नहीं मांगा है कम्युनिस्ट कम्युनल है जो इनके पीछे खड़े रहते हैं देशद्रोही जो मुसलमान है जो देशभक्त मुसलमान है उनके बारे में तो कोई इशू ही नहीं है वो तो हमारे हैं एपीजे अब्दुल कलाम जी को राष्ट्रपति बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया हुआ है तो हम लोग देशभक्त मुसलमानों पर कभी सवाल नहीं उठाते हमारे पार्टी में है सिकंदर भक्त हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेता रहे हैं हमारे यहां पर त्रिपुरा के अंदर देशभक्त मुसलमान हमारे पार्टी के अंदर है हमें मुसलमानों से कोई समस्या नहीं है जो यहाँ पर ये मानेगा कि भैया ये हिंदू काफिर है ये हमारा दुश्मन है और हम पाकिस्तान का काम करेंगे फिर यहां पर कोई मिया होगा जो हुजी का आतंकी करके यहां पर रह रहा होगा कोई सुमन मुजुमदार नाम से रहेगा कोई हिंदुओं की लड़कियों को लव जिहाद के नाम पर उठाकर लेकर जाएगा कैसे बर्दाश्त करेंगे क्यों बर्दाश्त करेंगे इसमें कोई कम्युनलिज्म नहीं है बहुत स्पष्ट है देश की और समाज की रक्षा यह हमारा कर्तव्य है बिहू खेलने वाला मुसलमान सबके साथ असमिया भाषा में बात करने वाला मुसलमान असम की जनता गले लगाती है उनको कोई समस्या नहीं है यह समस्या बांग्लादेशी घुसपैठिए मुसलमानों की है और इनको यहां से निकालने के लिए भारतीय जनता पार्टी कमिटेड है और त्रिपुरा में ये कोई विषय नहीं है त्रिपुरा में अगर घुसपैठिए मुसलमान आते हैं तो उनको चुन चुनकर हम बाहर से निकाल डालेंगे और आज भी अगर घुसपैठिए मुसलमान त्रिपुरा के अंदर कोई है तो उनको हम चुन चुनकर बाहर निकाल डालेंगे वापस एक साल कंप्लीट होने जा रहे हैं पिछले साल इसी समय बहुत काम कर रहे थे आप लोग यहाँ पे चेंज करने के लिए जनवरी के महीना है अगले महीने इलेक्शन होने वाले थे अभी एक साल कंप्लीट होने वाले हैं आपके बीजेपी सरकार का त्रिपुरा में उपलब्धि क्या है सबसे बड़ी उपलब्धि है यहां पर लॉ एंड ऑर्डर हो गया। आज पुलिस को जाकर पूछे पुलिस के ऊपर किसी का बंधन नहीं आज बीजेपी के आदमी की चिट्ठी लेकर आओ बीजेपी के आदमी को लेकर आओ या बीजेपी के किसी से फोन करवाओ तो आपका एफआईआर लिखा जाएगा ऐसा आज कहीं नहीं होता है आज पत्रकारों की हत्याओं जैसी घटनाएं नहीं होती है जो पत्रकारों की हत्याएं हुई थी हमने सीबीआई की मांग की थी मुख्यमंत्री तब का माणिक सरकार जी थे उन्होंने इस मांग को ठुकरा दिया था जबकि गौरी लंकेश पत्रकार थी तो गौरी लंकेश और ये दो भूमिकों के अंदर उनको ऐसा क्या फर्क दिखाई दे रहा था उनकी हत्या के लिए ये चार कदम चले थे सीबीआई की मांग के लिए और ये अपने ही राज्य के दो तेजस्वी बेटे जब खोए इस राज्य ने तब सीबीआई की मांग को उन्होंने क्यों ठुकरा दिया था बीजेपी ने वादा किया बीजेपी ने वादा निभाया बीजेपी ने सीबीआई को देने की बात कही चीटफंड कंपनियों को वापस बीजेपी ने सीबीआई को दे दिया है अब सीबीआई का निर्णय आ जाएगा इन दो पत्रकारों की हत्याओं के बारे में तो सीबीआई ने कार्रवाई चालू कर दी है लॉ एंड ऑर्डर रिस्टोर करने की बात हमने की थी आज पुलिस खुल गई है आज यहां पर कन्विक्शन रेट बढ़ गया है कोई मर्डर होता है दो तीन दिन में यह भी खबर आती है कि करने वाला पकड़ा गया ऐसा नहीं था कि त्रिपुरा के लोगों में पुलिस में टैलेंट नहीं था त्रिपुरा के पुलिस के अंदर का टैलेंट मारा गया था उसमें से कुछ लोगों को लालची लोगों को भ्रष्टाचार की आदतें लगाई थी उनकी कुछ कोटरियां बन गई थी मैं नहीं मानता चार पांच परसेंट से ज्यादा इनकी संख्या होगी बाकी त्रिपुरा की पुलिस पाक साफ है और जनता की सेवा करने में लगी है सबसे बड़ी उपलब्धि ये लॉ एंड ऑर्डर आज हमने दी है किसी भी सरकारी दफ्तर में कोई प्रकार की गुंडागर्दी आज नहीं है आपको कोई काम करना है आप जाइए अपना काम करके आइए इसमें भी हम लोगों को सुधार करने पड़ेंगे मैं यह नहीं मानता कि एकदम सब कुछ ठीक हो गया है ऐसी कोई जादू की छड़ी नहीं है कि नौ महीने में दस महीने में हम सारा ठीक ठाक कर देंगे पांच साल का हमें समय मिला है हम पूरे पांच साल में ये सारी चीजों के ऊपर उपाय ढूंढ लेंगे और जितने वादे किए हैं एक एक करके वादे पूरे करेंगे अब एक हजार टीचर्स की नियुक्ति हुई ऑनलाइन हो गई कम्युनिस्ट पार्टी ने कितना बड़ा भ्रष्टाचार किया था कितने नियमों को तोड़ दिया था दस हजार तीन सौ तेईस परिवार को सड़क पे लाने का काम इन्होंने किया था अच्छा उनका केस ठीक से वो हाई कोर्ट में प्लीड नहीं किए लोअर कोर्ट में प्लीड नहीं किए सुप्रीम कोर्ट में प्लीड नहीं किए सरकार बदल गई हमने ठीक ढंग से सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा दो साल की रियायत मिल गई वो लोग भी ला सकते थे वो नहीं ला सके केवल नजरिया बदल गया उनके साथ सच्ची आत्मीयता वाली सरकार आ गई मिल गई अब जो टीईटी का एक आ, का एग्जामिशन जो मिला है एक साल के लिए कितनी बड़ी बात हो गई है बी जरूरी नहीं है इतनी बड़ी बात कितनी बड़ी राहत है त्रिपुरा में टीचर्स की जरूरत है कितनी उपलब्धियां गिनाएं आपको अटल जर, जलधारा मिशन मुख्यमंत्री जी ने डिक्लेयर किया है तीन साल के अंदर हर घर के अंदर टैप में से पानी आना चालू होगा गांव में 600 सौ रुपया लगते थे सेमी शहर में 1200, शहर में 1500। पूरी तरह से इसको फ्री कर दिया है विप्लव ने और आज घर घर में शुद्ध पानी तीन साल के अंदर देने का काम चालू हो चुका है अंतिम सवाल त्रिपुरा <coughs> में जो दो सीटें हैं लोकसभा के वो दोनों सीट पर बीजेपी लड़ेगी या आईपीएफ पी भी में मांग कर रहा है एक सीट पर वो एस टी रिजर्व सीट पर वो डरें मैं आपको पहले ही बता चुका हूं दो पद्म फूल दो पद्म फूल मैंने कहा ना हम त्रिपुरावासी मोदी जी को दे बीजेपी लड़ेगी हमारे दल ने हमें कहा था उनकी इच्छा व्यक्त की थी मैं झूठ नहीं कहूंगा उन्होंने इच्छा हमारे पास व्यक्त की थी जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए थे तब उन्होंने हमारे पास बताया कि हम चाहते एक सीट लड़ना लेकिन उसी समय हमने हिमंत विश्व शर्मा जी और सब लोग मिलकर तय किया था कि बैठेंगे बातचीत करेंगे उनको समझाएंगे मुझे नहीं लगता इसमें कोई इक्का दुक्का होगा लेकिन हम विजयी होंगे इतना मैं आपको जरूर पक्का बता सकता अभी बैठे बे, हैं क्या या बैठने वाले हैं उनके साथ उसी समय बैठे थे अच्छा और बैठने की आवश्यकता है तो और बैठेंगे बैठने अच्छा। में क्या है बैठना है मान गए हैं क्या वो लोग मान जाएंगे मुझे पूरा भरोसा है अच्छा <laughs> एकदम आपको बहुत बड़े धन्यवाद समय निकल कर मुझ हम लोगों को दी है कुछ उपलब्धियां गिनाई है और लोकसभा चुनाव भी है आगे आपको व्यक्तिगत तरफ व्यक्तिगत की पर्सनली और पार्टी के तरफ से भी आपको शुभकामनाएं हैं आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी जो दो बड़े निर्णय लिए हैं उसके बारे में मैं एक बात बताना चाहूंगा कि सवर्ण समाज के या अगड़े समाज के या जनरल कैटेगरी के, के लोगों को आज तक कोई रिजर्वेशंस नहीं थे हमेशा जब रिजर्वेशंस की बात आती थी तब यह मुद्दा खड़ा रहता था कि ये जो अगड़ा समाज है इनको इनमें भी गरीब है इनको रिजर्वेशन क्यों नहीं कांग्रेस के वचन नामे में हर बार रहता था हम देंगे हम देंगे कोई भी पार्टी आती थी ये कहता था हम देंगे हिम्मत नरेंद्र मोदी जी ने दिखाई अब सब समाज के लोगों को रिजर्वेशन मिल गया जातिगत रिजर्वेशन जिनको मिलना था उनको भी मिला मुसलमान और क्रिश्चियन जो गरीब है उनको भी नरेंद्र मोदी जी ने रिजर्वेशन दिया जो रिजर्वेशन आज तक किसी ने नहीं दिया था यह दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास करने वाली पार्टी है सवर्णों को रिजर्वेशन मिला बाकी सबको बाकी किसी के भी रिजर्वेशन को टच किए बगैर गरीब तबके के जनरल कैटेगरी के लोगों को 10 परसेंट रिजर्वेशन देने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है यह पहला निर्णय जीएसटी में जो 40 लाख तक जिनका सालाना टर्नओवर है ऐसे जो सामान्य तबके के व्यापारी है त्रिपुरा में इनकी संख्या लाखों में है मेरे त्रिपुरावासी भाइयों और बहनों 40 लाख तक का जिनका व्यापार है पूरे साल भर का उनको कोई जीएसटी भरने की जरूरत नहीं है कोई जीएसटी नंबर लेने की जरूरत नहीं है कोई जीएसटी कोई टैक्स उनको भरने की जरूरत नहीं है बस उनको अपना नियमितता से रिटर्न्स फाइल करना और इनकम टैक्स की जो बात है जो सबके लिए वो करनी है लेकिन व्यावसायिक टैक्स किसी भी प्रकार का उनको नहीं है ये बहुत बड़ा काम और एक करोड़ बढ़ाकर डेढ़ करोड़ का जिनका टर्नओवर है उनको जीएसटी में पहले नियम था कि हर महीना उन्होंने जो है वो टैक्स की रकम भरना और तीन महीने में एक बार उसका उसका ऑडिट सॉरी हर महीना ऑडिट देना और तीन महीने बाद वो टैक्स की रकम भरना उसमें से पूरी तरह से एग्जम्पन देकर डेढ़ करोड़ तक का जिनका टर्नओवर है उनको नरेंद्र मोदी सरकार ने रियायत दी है कि आपको ये जो टैक्स है वो एकत्रित भरना है हर महीने भरने वाली बात नहीं तो बहुत बड़ी रियायत है जी के बारे में लिया हुआ बड़ा डिसीजन और जनरल कैटेगरी में रिजर्वेशन नरेंद्र मोदी जी को मैं फिर एक बार त्रिपुरा वासियों की तरफ से धन्यवाद देता हूं हेडलाइंस त्रिपुरा को धन्यवाद देता हूं आपने मुझे बुलाया আমাদের সঙ্গে ছিলেন সুনীল দেওধর বিজেপির কেন্দ্রীয় প্রভারী তিনি ত্রিপুরা এবং অন্ধ্রপ্রদেশের দায়িত্বে আছেন এবং নিঃসন্দেহে আগামী লোকসভা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আলোচনা করেছেন এবং রাজ্যের সংগঠনের কি অবস্থা রয়েছে এবং আগামী দিনে তাদের উদ্দেশ্য বা রণনীতি কি থাকবে সে নিয়েও অনেকটাই খোলাসা করেছেন এখন এ পর্যন্তই দেখতে থাকুন হেডলাইন্স ত্রিপুরা নমস্কার thank